असलकम आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ आर्बिट्रेशन मतलब कि आर्बिट्रेशन जो है वो कितने तरीक़ों से की जा सकती है इनिशिएट। फर्स्ट आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट सेकंड आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एंड थर्ड इज आर्बिट्रेशन इन अ पेंडिंग सूट अब सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट का मतलब ये है कि आर्बिट्रेशन स्टार्ट करने के लिए कोर्ट को इन्वॉल्व किया जाता है कि कोर्ट जो है वो इन्वॉल्व हो और आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे मीनिंग देर अगर दो पार्टीज़ के दरमियान आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद है और इन केस ऑफ डिस्प्यूट दोनों पार्टीज में से एक पार्टी जो है वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट की हेल्प ले सकती है कोर्ट को इन्वॉल्व कर सकती है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आर्बिट्रेशन जो है वो कोर्ट ख़ुद करेगी कोर्ट सिर्फ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी आर्बिट्रेशन जो है वो आर्बिट्रेटर ही करेगा लेकिन पार्टीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए जो है कोर्ट को बीच में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि कोई एक पार्टी जो कि अनविलिंग पार्टी है जो आर्बिट्रेशन में नहीं जाना चाह रही उसको जो है आर्बिट्रेशन में लेके जाया जाए अब आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में क्या ज़रूरी है कि जब दोनों पार्ट दो पार्टीज़ के दरियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद था या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था दो पार्टीज़ के बीच में और जब डिस्प्यूट आया और दोनों पार्टीज़ ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था अलग अलग या एक ही तो एक पार्टी जो है वो आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है अगर उन्होंने दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने थे तो और दूसरी पार्टी जो है वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में रिल्कटेंट है तो फर्स्ट पार्टी जिसने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया है वो दूसरी पार्टी को नोटिस सेंड करती है कि आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें लेकिन वो नहीं कर रही रिल्कटेंट आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में तो जो फर्स्ट पार्टी है वो कोर्ट के पास जाएगी एक एप्लीकेशन फाइल करेगी कोर्ट में अंडर सेक्शन ट्वेंटी ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाए हम दोनों पार्टीज़ के दरमियान ये एग्रीमेंट था जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद था आई एम विलिंग टू गो फॉर आर्बिट्रेशन बट द अदर पार्टी इज़ रिलेक्टेंट तो हमारे लिए आर्बिट्रेटर जो है अपॉइंट किया जाए और अगर सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है दोनों पार्टीज़ ने तभी ये सिचुएशन होगी कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर दोनों पार्टीज़ में कोई भी पार्टी रिलक्टेंट है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में और जो विलिंग पार्टी है वो दूसरी पार्टी को नोटिस सेंड करेगी कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें विद म्यूचुअल कंसेंट और फिर वो पंद्रह दिन इंतज़ार करेगी और अगर रिलेक्टेंट पार्टी जो है पंद्रह दिन के बाद भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करती तो विलिंग पार्टी कोर्ट में जाके सेक्शन ट्वेंटी ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट की अप्लीकेशन फ़ाइल करेगी अब बेसिकली सेक्शन ट्वेंटी की अप्लीकेशन उस वक्त फ़ाइल होती है कि जब सूट पहले से कोई फ़ाइल नहीं हुआ होता जस्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद था दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट आया और एक पार्टी जो है वो आर्बिट्रेशन में जाना चाह रही है दूसरी पार्टी नहीं जाना चाह रही जानबूझ के मैटर को लिंगर ऑन करना चाह रही है तो जो पार्टी आर्बिट्रेसन में जाना चाह रही है वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करती है अंडर सेक्शन ट्वेंटी ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट कि हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए क्योंकि हमारे दरमियान आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद है अब ये जो एप्लीकेशन है सेक्शन ट्वेंटी की सबसे पहले तो ये कोई सूट पेंडिंग नहीं होगा तब फाइल की जाएगी दूसरा ये है कि जब डिस्प्यूट अराइज़ हो जाएगा उसके तीन साल के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है लेकिन अगर दोनों पार्टीज़ एग्री हो जाएं तीन साल गुजरने के बाद भी कि हम अपना डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन ही सॉल्व करवाएंगे तो फिर तीन साल की बार नहीं है क्योंकि आर्बिट्रेशन जो है ये दोनों पार्टीज़ की म्यूचुअल कंसेंट से होती है अब जहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट है दोनों पार्टीज़ की तो वो अपने लिए सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी सेटल करती हैं वो अपने लिए सारे टाइम लिमिट भी सेटल कर सकती हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं टू सॉल्व द मैटर तो इसी तरह अगर तो दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई सेटलमेंट नहीं है तो फिर तो तीन साल के अंदर अंदर आपने कोर्ट में लेके जाना है फॉर आर्बिट्रेशन लेकिन अगर दोनों पार्टीज़ दोबारा से सेटल हो जाती हैं तो तीन साल के बाद भी मैटर को आर्बिट्रेशन में रेफ़र किया जा सकता है अब प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेक्शन ट्वेंटी के अंदर एप्लीकेशन फाइल करने का प्रोसीजर क्या होगा कि जो पार्टी आर्बिट्रेशन में जाने के लिए विलिंग है वो दूसरी पार्टी को नोटिस सेंड करेगी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर नोटिस सेंड करने के बाद पंद्रह दिन वो पार्टी इंतज़ार करेगी और पंद्रह दिन के बाद भी अगर दूसरी पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करती तो जो बिलिंग पार्टी है वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगी अंडर सेक्शन ट्वेंटी और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेगी कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए अब एप्लीकेशन में ये क्लियरली लिखा जाएगा कि ये एक एग्रीमेंट था इसमें ये क्लॉज मौजूद था जिसके तहत हमने इन केस ऑफ डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में जाना था हमारा ये डिस्प्यूट अराइज हो गया है उस डिस्प्यूट के अराइज़ होने के बाद मैंने दूसरी पार्टी को नोटिस सेंड किया कि आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो रिल्कटेंट है इसलिए कोर्ट जो है हम हमारी इस केस में आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें अब कोर्ट के पास जब सेक्शन 20 की एप्लीकेशन फ़ाइल हो गई तो कोर्ट के पास क्या पावर है सेक्शन ट्वेंटी की एप्लीकेशन फ़ाइल होने के बाद कोर्ट दूसरी पार्टी को जो है नोटिस सेंड करती है जैसा कि नॉर्मल सूट्स में होता है जब एक पार्टी सूट फाइल करती है तो उसका सेकंड स्टेप ये होता है कि कोर्ट दूसरी पार्टी को जो कि डिफेंडेंट होता है उसे समन या नोटिस सेंड करके बुलाती है इसी तरह सेक्शन ट्वेंटी की जब एप्लीकेशन कोर्ट में फ़ाइल होती है तो सेम प्रोसीजर फॉलो होता है दूसरी पार्टी को नोटिस सेंड किया जाता है कि वो कोर्ट में अपियर हो अब जब दूसरी पार्टी अगर तो अपीयर हो जाती है तो कोर्ट उसे सुनेगी कि क्यों आर्बिट्रेशन में मैटर को जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए और अगर दूसरी पार्टी अपीयर नहीं होती जैसे कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाती है अगर दूसरी पार्टी अपीयर नहीं होती तो कोर्ट उसके अगेंस्ट पार्टी करेगी और ख़ुद से आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगी और वो आर्बिट्रेटर जो है आफ्टर अपॉइंटमेंट जब उसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा थ्रू कोर्ट तो फिर वो दूसरी पार्टी को दोबारा से नोटिस सेंड करेगा आर्बिट्रेशन का और आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अगर दूसरी पार्टी अपीयर हो जाती है तो उसके पास ये जो है एक ग्राउंड मौजूद है कि अगर वो ऑब्जेक्शन पटिशन फाइल करना चाहे कि हमारे दरमियान जो आर्बिट्रेशन का क्लास था वो बेसिकली आर्बिट्रेशन नहीं थी वो बेसिकली मीडिएशन थी तो ये केस आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता अब अगर दूसरी पार्टी को इतराज़ है कि ये जो क्लास थी बेसिकली ये आर्बिट्रेशन की नहीं थी ये मीडिएशन की थी ये म्यूचुअल कंसेंट से उसको सॉल्व करना था हमने आर्बिट्रेशन में नहीं जाना था तो दूसरी पार्टी के पास क्या रेमेडी है कि वो आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन थर्टी थ्री के तहत ऑब्जेक्शन पटिशन फाइल कर देती है फिर उसके बाद कोर्ट पहले ऑब्जेक्शन पटिशन को सॉल्व करेगी ऑब्जेक्शन पटिशन को सुना जाएगा कि आया इस ऑब्जेक्शन पटिशन के मुताबिक आर्बिट्रेशन क्लॉज एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं और अगर कोर्ट को लगे कि आर्बिट्रेशन क्लॉज एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर सेक्शन ट्वेंटी की अप्लीकेशन जो है वो ख़ारिज हो जाएगी और अगर कोर्ट को लगे कि आर्बिट्रेशन क्लॉज एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर जो है कोर्ट आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगी अब आपके जहन में आएगा कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें कोर्ट को लगेगा कि आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट होना चाहिए तो एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आप दो पार्टीज़ के दरम्यान एक एग्रीमेंट है जिसमें एक क्लॉज लिखा गया है इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैटर शल बी डिसाइडेड बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टीज़ अब ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टीज़ है दिस इज़ नॉट आर्बिट्रेशन इसके वर्ड्स एम बिगवेस्ट हैं यह मीडिएशन भी हो सकती है या नगोशियशन में भी हो सकती है इसको एग्जैक्टली exactly आर्बिट्रेशन नहीं कहा जा सकता तो अगर इस किस्म की कोई क्लास मौजूद है तो दूसरी पार्टी जो है ऐसे क्लास की सूरत में कोर्ट में ऑब्जेक्शन पटिशन फाइल कर सकती है और फिर कोर्ट जो है वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को स्ट्रक डाउन कर सकती है अब आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा कि सेक्शन ट्वेंटी जो है उसकी एप्लीकेशन हमने क्यों और कब फाइल करनी है तो थोड़ा सा दोबारा से आपको बता देती हूँ कि सेक्शन ट्वेंटी की एप्लीकेशन कोर्ट के इंटरवेंशन से हमने आर्बिट्रेशन जब करवानी है तब फाइल करनी है और कोर्ट को हम आर्बिट्रेशन करवाने के लिए क्यों इन्वॉल्व करते हैं जब दो पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट अराइज हो जाए किसी एग्रीमेंट के तहत दो पार्टीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट मौजूद था उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद थी उस एग्रीमेंट का कोई डिस्प्यूट आरइज हो गया और उनमें से एक पार्टी जो है वो आर्बिट्रेशन में जाना चाह रही है जबकि दूसरी पार्टी जो है वो आर्बिट्रेशन को अवॉइड करना चाह रही है तो जो पार्टी आर्बिट्रेशन में जाना चाह रही है वो दूसरी पार्टी को पंद्रह दिन के लिए नोटिस सेंड करेगी नोटिस सेंड करेगी उसका पंद्रह दिन इंतज़ार करेगी कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें पंद्रह दिन गुजरने के बाद भी अगर दूसरी पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करती तो जो जिलिंग पार्टी है वो कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करेगी अंडर सेक्शन ट्वेंटी जिसका टाइटल है एप्लीकेशन टू फाइल इन कोर्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सेक्शन ट्वेंटी की एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी और उसमें कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि हमारा ये जो डिस्प्यूट है इसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए क्योंकि हमारे इस डिस्प्यूट में आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद था और हमारा मैटर जो है वो आर्बिट्रेटर को रेफ़र किया जाए कोर्ट की इन्वॉलमेंट सिर्फ इस हद तक है कि कोर्ट आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगी बाकी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग आर्बिट्रेटर जो है वो खुद करेगा नेक्स्ट मोड है आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट जैसा कि उसकी वर्डिंग से ये जाहिर है कि इस केस में इस मोड में हम आर्बिट्रेशन कराते हैं कोर्ट की इन्वॉलमेंट के बगैर मतलब कि अगर दो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान एक एग्रीमेंट है जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद है या दो पार्टीज़ के दरमियान जो के डीलिंग कर रही हैं कोई भी बिज़नेस की डीलिंग है और उन्होंने एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अलग से करके रखा हुआ है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट हम आर्बिट्रेशन से अपने मैटर सॉल्व करेंगे और कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और जो आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन नाइन है इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब रेफरेंस दो आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करके जो आर्बिट्रेशन करवानी हो तब सेक्शन नाइन अप्लाई होगा कि मतलब दो पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट था और आर्बिट्रेशन क्लॉज में लिखा हुआ था इन केस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेटर्स विल बी अपॉइंटेड वन बाई ईच पार्टी अब डिस्प्यूट आ गया एक पार्टी जो है उसने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया और जो दूसरी पार्टी है उसने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया तो उसी तरह जैसे कि हमने पहले पढ़ा था वन पार्टी जो है जिसने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया है वो दूसरी पार्टी को नोटिस सेंड करेगी कि पंद्रह दिन के अंदर अंदर अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें अगर दूसरी पार्टी पंद्रह दिन के अंदर अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करती तो जो फर्स्ट पार्टी है उसने जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है उसे सोल आर्बिट्रेटर कंसिडर किया जाएगा और वही आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को लेकर आगे चलेगा अब क्या हुआ कि पहले जब हमने पढ़ा कि आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट दो पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट है और उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद है उन पार्टीज़ के दरम्यान डिस्प्यूट अरइज़ हुआ एक पार्टी जो है वो कोर्ट में जाना चाह रही थी सॉरी एक पार्टी जो है वो आर्बिट्रेशन में जाना चाह रही थी और दूसरी पार्टी रिलेक्टेड थी फर्स्ट पार्टी ने दूसरी पार्टी को नोटिस सेंड किया पंद्रह दिन इंतज़ार किया दूसरी पार्टी ने आर्बिट्रेटर फिर भी अपॉइंट नहीं किया तो पहली पार्टी जो है वो कोर्ट में चली जाएगी कि हमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दें सेकेंड सिचुएशन ये है कि आर्बिट्रेशन दो पार्टीज़ के दरमियान आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद था डिस्प्यूट अराइज हुआ दोनों पार्टीज़ ने अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था एक पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया और दूसरी पार्टी को नोटिस सेंड किया कि आप अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें पंद्रह दिन इंतज़ार किया लेकिन दूसरी पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया तो जो फर्स्ट पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया था वो सोल आर्बिट्रेटर कंसिडर होगा और उसी के थ्रू आर्बिट्रेशन कराई जाएगी अब जो फर्स्ट पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया जैसे कि सोल आर्बिट्रेटर तस्वुर किया जाएगा दूसरी पार्टी को उस आर्बिट्रेटर से इतराज़ है तो फिर दूसरी पार्टी के पास ये जो है हक मौजूद है कि वो इन दैट केस कोर्ट में जा सकती है कि जो आर्बिट्रेटर है मुझे मेरा अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने दिया जाए जो दूसरी पार्टी का अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है मैं उसके ऊपर इक्तफा नहीं करता या करती तो मुझे अलाउ किया जाए कि मैं अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करूं सब्जेक्ट टू शोइंग ऑफ सफिशंट काज मतलब जो पार्टी कोर्ट में जा रही है कि मुझे अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया करने दिया जाए मैं सोल आर्बिट्रेटर पर जो है वो सटिसफाई नहीं हूँ उससे कोर्ट को सफिशेंट काज बताना पड़ेगा कि मैंने इतना अरसा आर्बिट्रेटर क्यों अपॉइंट नहीं किया दूसरी पार्टी ने जब नोटिस सेंड किया उसके पंद्रह दिन इंतज़ार किया तो तब तक मैंने अपना आर्बिट्रेटर क्यों अपॉइंट नहीं किया ये सारी की सारी चीज़ें दूसरी पार्टी को कोर्ट को बतानी होंगी और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि यस देयर वॉज अ सफिशेंट रीज़न फॉर द अदर पार्टी दैट्स वाई इट ही इट हैज़ नॉट अपॉइंटेड इट्स आर्बिट्रेटर तो फिर वो जो है वो सोल आर्बिट्रेटर को जो है वो स्ट्रक डाउन कर देगी और दूसरी पार्टी को टाइम दे देगी कि आप अपना भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें जो पहला आर्बिट्रेटर है जिसे कि सोल तस्वर किया जा रहा था वो सिर्फ दूसरी पार्टी के लिए स्ट्रक डाउन होगा पहली पार्टी के लिए वो ही एग्जिस्ट करेगा दोनों पार्टीज तो अपने अपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगी और फिर दोनों आर्बिट्रेटर मिल जो है वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करेंगे अब थर्ड सिचुएशन आ जाती है आर्बिट्रेशन इन अ पेंडिंग सूट आर्बिट्रेशन इन अ पेंडिंग सूट जैसे कि वर्ड से ही जाहिर है कि पेंडिंग सूट एक सूट पेंडिंग है और उसमें आर्बिट्रेशन हो रही है अब इस सिचुएशन में ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो और उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद हो किसी भी सूट में कोई भी सूट जो कोर्ट के पास पेंडिंग है जो कि पहले से कोर्ट में फ़ाइल हो चुका है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोर्ट में कोई सूट फाइल किया दूसरी पार्टी डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया दोनों पार्टीज कोर्ट में अपीयर हो रही हैं ड्यूरिंग प्रोसीडिंग बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट जजमेंट के प्रोनाउंस होने से पहले ठीक है जजमेंट के प्रोनाउंस होने से पहले दोनों पार्टीज़ को लगा कि हमें अपना डिस्प्यूट जो है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल करवाना चाहिए रिजॉल्व करवाना चाहिए तो दोनों पार्टीज जो है वो कोर्ट को इन राइटिंग लिख के देंगी कि हमारा मैटर जो है ये आर्बिट्रेशन को आर्बिट्रेशन में रेफ़र किया जाए हमारे मैटर में कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए हम आउट ऑफ कोर्ट जो है ये प्रोसीडिंग थ्रू सेटलमेंट रिजॉल्व करवाना चाह रहे हैं अब इसमें दो सिचुएशन आ जाती हैं कि एक तो सूट uh, पेंडिंग था और दोनों पार्टीज विलिंग थी आर्बिट्रेशन में जाने के लिए तो वो एक एप्लीकेशन कोर्ट को लिख के दे सकती हैं कि हम जो है अपना मैटर uh, जो है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करवाना चाह रहे हैं तो हमारे इस मैटर में आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए और दूसरी सिचुएशन ये है कि कोर्ट जो कोर्ट को बर्बली बताया जाए और कोर्ट जो है अपने ऑर्डर में जो पार्टीज़ की इंटेंशन है उसको नोट डाउन कर ले और दोनों पार्टीज़ के साइन ले ले और फिर उसके बाद उसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे अब कोर्ट जो है जब उसके पास दोनों पार्टीज़ ये अप्लीकेशन फाइल करें या अपना बयान दें कि हम जो है अपना मैटर आर्बिट्रर्बिट्रेशन के थ्रू रिजोल्व करवाना चाह रहे हैं तो कोर्ट ये देखेगी कि यह मैटर जो है ये जो डिस्प्यूट है ये आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है कि नहीं उसके बाद जो है अगर कोर्ट को लगे कि यह मैटर जो है आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है तो फिर वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगी और मैट जो मैटर है वो आर्बिट्रेटर को रेफ़र कर देगी कि आप इस डिस्प्यूट को सॉल्व करें और अगर तीन चार मैटर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो प्लेंटिव है उसने सूट फाइल किया फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड फॉर मीन्स प्रॉफिट ठीक है दो डिस्प्यूट्स आ गए दो सेटल इश्यूज़ जो हैं वो आ गए एक तो आ गया पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरा मीन्स प्रॉफिट का अब अगर दोनों पार्टीज़ ये चाह रही हैं कि हमारे जो मीन्स प्रॉफिट हैं वो उसका जो मैटर है मीन्स प्रॉफिट की हद तक उसमें हम एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा लें और वो मैटर जो है हम आर्बिट्रे आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करवाएं पार्टीशन जो है वो कोर्ट खुद ही डिसाइड करे ठीक है तो अब इस सूरत में भी कोर्ट जो है मीनस प्रॉफिट की हद तक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे सकती है पार्टीज़ को एक तो ये सिचुएशन होगी दूसरी सिचुएशन ये है कि दो प्लेंटिव थे या एक ही प्लेंटिव था और दो तीन डिफेंडेंट थे या दोनों तरफ दो प्लेटिव थे दो डिफेंडेंट थे दो या तीन मतलब एक से ज़्यादा पार्टीज थी दोनों साइडों पे या एक साइड पे अब सारी की सारी पार्टीज़ आर्बिट्रेशन में नहीं जाना चाह रही कुछ पार्टीज़ जो हैं वो आर्बिट्रेशन में जाना चाह रही हैं कुछ नहीं जाना चाह रही ठीक है तो जो पार्टीज़ आर्बिट्रेशन में जाना चाह रही हैं कोर्ट उनकी हद तक जो मैटर है उसको आर्बिट्रेशन में रेफर कर देगी और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनका डिस्प्यूट खुद से उनका जो मैटर है वो खुद से सुनेगी तो जब अवार्ड आएगा तो जो अवॉर्ड होगा आर्बिट्रेशन का वो उन्हीं पार्टीज पे बाइंडिंग होगा जो मैटर को आर्बिट्रेशन में ले कर गई बाकी सब पार्टीज़ पे वो अप्लाई नहीं करेगा अब जब कोर्ट जो है इन अपेंडिंग सूट मैटर को आर्बिट्रेटर में रेफर आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर देती है आर्बिट्रेटर को ये अपॉइंट कर देती है तो कोर्ट की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं ये हम जो है वो पढ़ लेते हैं कोर्ट कैन विल अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर एज ए ग्रीड बाई दार्टीज़ एंड रेफर द मैटर इन डिस्प्यूट रेफर ओनली दैट डिस्प्यूट एज ए ग्रीड बाई दार्टीज़ एंड डील विदर बाई इट सेल्फ इफ़ इट इज सेपरेबल फ्राम दर ये चीज़ देखने वाली है कि कोर्ट अगर दो मैटर से और दूसरा मैटर पहले वाले मैटर सेपरेट से हो सकता है तो फिर कोर्ट उसको सुनेगी वरना सारे का सारा मैटर या तो आर्बिट्रेटर को रेफर कर दिया जाएगा या आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा कि यह मैटर आर्बिट्रेटर को रेफर नहीं किया जा सकता रेफर ओनली दोज पार्टी टू आर्बिट्रेशन हुए ग्रेड फॉर इट स्पेसिफाई द टाइम फॉर मेकिंग एन अवॉर्ड कोर्ट जब मैटर रेफर करेगी आर्बिट्रेशन में मतलब आर्बिट्रेटर जब अपॉइंट करेगी तो कोर्ट अपने ऑर्डर में टाइम स्पेसिफाई कर देगी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को कंक्लूड करने का कि जैसे ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया कोर्ट अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई कर देगी कि छः महीने के अंदर अंदर आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है वो सबमिट कराया जाए छः महीने का टाइम मैंने वैसे ही समझाने के लिए बताया है ये कोर्ट के अपने ऊपर डिपेंड करता है वो कोई भी टाइम इसमें रख सकती है चार महीने छ महीने पाँच महीने बाक़ी जो अगर सारे का सारा मैटर आर्बिट्रेशन में चला जाता है रेटीएम ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट अपीयर हुआ दोनों पार्टीज जो है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग होने लगा कि हमें मैटर जो है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करवाना चाहिए और कोर्ट जो है वो डिस्प्यूट मैटर जो है वो आर्बिट्रेशन अर्बिट्रे, में भेज देती है आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेती है तो सूट ख़त्म नहीं हो जाएगा सूट की जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हो जाएंगे जब तक अवार्ड नहीं आता ठीक है अब ये स्टे क्यों हो जाएंगी उसके भी स्टे होने की वजह ये है जब अवार्ड आ जाता है तो उसी अवार्ड की बेसिस पर डिग्री जो है वो अवार्ड हो जाती है डिग्री पास हो जाती है लेकिन अब जैसे कि पहले था आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट उन दोनों सूरतों में ए, कुछ प्रोविजंस थी आर्बिट्रेशन एक्ट की जो उसमें अप्लाई कर सकती थी जैसा कि एक पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया और किसी वजह से वो आर्बिट्रेशन कर नहीं पा रहा वो उसने खुद जो है वो रिज़ाइन कर दिया कि मैं आर्बिट्रेशन नहीं कर सकता ये आप कोई और आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लें तो जो पहले दो प्रोसीडिंग जो पहले दो मेथड्स थे उनमें अगर एक आर्बिट्रेटर जो है वो विलिंग नहीं है आर्बिट्रेशन करने के लिए तो पार्टीज़ के पास इखतीयार है कि उसकी जगह पर कोई दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लें लेकिन जब आप पेंडिंग सूट में आर्बिट्रेशन करवा रहे हैं और किसी वजह से आर्बिट्रेटर जो है वो काम नहीं करना चाह रहा वो विलिंग नहीं है उसने रिज़ाइन कर दिया तो फिर कोर्ट जो है वो नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करेगी और कोई भी पार्टी जो है वो अगर कोई आर्बिट्रेटर सही तरह से काम नहीं कर रहा तो कोर्ट जो है उसको रिमूव करके नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करेगी बल्कि स्ट्रेट वे जो है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को स्ट्रक डाउन कर देगी उसको सुपरसीड करेगी और सूट की प्रोसीडिंग जो कि उसने स्टे कर दी थी वो स्टार्ट कर देंगे सो आपको ये सारी तीनों मोड़ जो हैं ये समझ आ गए होंगे मैं दोबारा से समरी की तरह इसको रिपीट कर देती हूँ सबसे पहले आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट दो पार्टीज़ थी दो पार्टीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट था जिसमें कि आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद था दोनों पार्टीज़ के दरमियान राइज हुआ एक पार्टी जो है वो आर्बिट्रेशन में जाने के लिए विलिंग थी जबकि दूसरी पार्टी रिलेक्टेंट थी जो पार्टी विलिंग थी उसने दूसरी पार्टी को नोटिस सेंड किया और पंद्रह दिन इंतजार किया लेकिन दूसरी पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया तो जो विलिंग पार्टी है वो कोर्ट में अप्लीकेशन फाइल करेगी अंडर सेक्शन ट्वेंटी ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर दूसरी सिचुएशन आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट दो पार्टीज़ के दरमियान एक आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद था जिसमें यह लिखा गया था इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैटर विल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन एंड बोथ द पार्टीज विल अपॉइंट देयर ओन आर्बिट्रेटर और जब डिस्प्यूट अराइज हुआ तो एक पार्टी ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया जबकि दूसरी पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया तो जिस पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया वो दूसरी पार्टी को नोटिस सेंड करेगी और पंद्रह दिन इंतजार करेगी कि वो अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले पंद्रह दिन गुजरने के बाद भी अगर दूसरी पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट ना किया तो जो दूसरी पार्टी थी जिसने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया हुआ था उसी के आर्बिट्रेटर को सोल आर्बिट्रेटर तस्वुर किया जाएगा और उसी के थ्रू आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी लेकिन दूसरी पार्टी जिसने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया था उससे सोल आर्बिट्रेटर से अगर कोई तहफात हैं वह उसके ऊपर जो है रिलई नहीं करती तो उसके पास फिर ये एक लॉ की तरफ से गुंजाइश मौजूद है कि वो अदालत से रजू करे और अदालत में एप्लीकेशन फ़ाइल करे कि मुझे जो है सोल आर्बिट्रेटर पर मैं उस पर रिलाई नहीं कर सकता मेरे पास सफिशेंट रीज़न मौजूद है मैं पंद्रह दिन या उससे ज़्यादा जितना भी टाइम गुजरा है मैं इस अरसे में इस वजह से आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सका था मुझे टाइम दिया जाए और फिर उसके बाद कोर्ट अगर देखती है कि वाकई इसके पास सफिशेंट रीज़न था इस वजह से आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट कर सकी पार्टी तो फिर वो दूसरी पार्टी को टाइम दे देती है कि इतने दिनों के अंदर अंदर आप अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में होगा कि जब दूसरी पार्टी जो है वो सोल आर्बिट्रेटर के ऊपर रिलाई नहीं कर रही और वो कोर्ट को आके सफ़िशेंट रीज़न बताए कि क्यों वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाई और क्यों उसे इस आर्बिट्रेटर पर एतबार नहीं है और लास्ट है आर्बिट्रेशन इन अ पेंडिंग सूट कि जब एक सूट पेंडिंग था कोई भी सूट पेंडिंग था इसमें दोनों पार्टीज के दरमियान आर्बिट्रेशन क्लॉज का या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का होना ज़रूरी नहीं है कोई भी सूट पेंडिंग था जो कि आर्बिट्रेशन में जा सकता था जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते तो उसमें आप आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशन नहीं दे सकते सिविल सूट जो कि रेफरेबल uh, है आर्बिट्रेशन के लिए ऐसे सूट में ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट जजमेंट के प्रोनाउंस होने से पहले पहले जजमेंट के जैसे फाइनल आर्गूमेंट्स हो गए हैं और कोर्ट ने जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट के लिए ही केस रखा हुआ है इवन एट दैट टाइम भी आप आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते उससे पहले आप एप्लीकेशन देंगे दोनों पार्टीज़ विलिंग है दोनों पार्टीज़ का विलिंग होना भी ज़रूरी है दोनों पार्टीज़ अगर विलिंग हैं पेंडिंग सूट में कि हमारा जो मैटर जो कि हम कोर्ट में ले आए हैं अब हम इस इसे आर्बिट्रेटर के थ्रू सॉल्व करवाना चाह रहे हैं हमारे इस डिस्प्यूट में आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए तो कोर्ट पेंडिंग सूट में दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगी और सूट की प्रोसीडिंग को स्टे कर देगी जब तक आर्बिट्रेटर का अवार्ड नहीं आ जाता और अगर आर्बिट्रेटर किसी वजह से काम करना जो है वो छोड़ देता है रिज़ाइन कर जाता है या उसके मिसकंडक्ट की वजह से उसे रिमूव करना पड़ जाता है तो कोर्ट स्टेट वे आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को सस्पेंड करेगी सुपरसीड करेगी और जो सूट की प्रोसीडिंग स्टे की हुई थी उनको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे होप सो आपको आर्बिट्रेशन के तीनों मोड्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे इन तीनों मोड्स में जो आर्बिट्रेशन है वो बेसिकली आर्बिट्रेटर ही कर रहा है कोर्ट की इन्वॉलमेंट जो है वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की हद तक है तो आर्बिट्रेशन में कोर्ट की जो बेसिकली पावर्स हैं वो फैसिलिटेटर की हद तक हैं बाकी जितने भी प्रोसीडिंग है वो आर्बिट्रेटर खुद करता है मैटर जो एविडेंस है जो भी मैटर सुनना है जो भी आगे प्रोसीडिंग करनी है वो सारी आर्बिट्रे आर्बिट्रेटर खुद करेगा कोर्ट जो है वो एज अ फैसिलिटेटर जो है इसमें दोनों पार्टीज़ की हेल्प करेगी आर्बिट्रेशन को आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को प्रोसीड करने में चलाने में अल्लाह फिर इनशा नेक्स्ट लेक्चर में असलकुम